त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार खत्म होने से पहले अपने अपने पक्ष में वोट जुटाने के लिए सरपंच, पंच, जिला और जनपद प्रत्याशी ने जमकर ताकत लगा दी। ऐसे में मध्य प्रदेश के सागर जिले के जैसी नगर ब्लॉक की ग्राम पंचायत जेरा में सारे प्रत्याशी ने जमकर ताकत दिखाई है। ऐसे में सील रानी हरिशंकर लोधी ने भी जमकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। असलियत में हरिशंकर लोधी का इस ग्राम पंचायत क्षेत्र में मोहब्बत वाली पैठ है। ऐसे में जनता का झुकाव उनकी तरफ दिख रहा है। सियासत में जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी चुनाव नहीं हारा करते, साथ ही उनके समर्थक भी उन्हीं जैसे हैं। अच्छा, कैसा सरपंच चुनना चाहती है? जो गांव को विकास करे। कौन करेगा विकास? सीलरानी। सीलरानी कौन है जी? सरपंच की उम्मीदवार। सरपंच की उम्मीदवार फार्म भरे हैं। अच्छा, इनका चुनाव चिन्ह पता है आपको? हाँ। क्या है? नारियल को पेड़। तो आपको विश्वास है विकास करेंगी? हाँ। जेरा। ये क्या नाम आपका? भगवान दास लोधी। अच्छा, आपकी जानकारी में है ये पंचायत चुनाव की? हाँ, चुनाव तो हो रहा है। कौन खड़ा हुआ आपकी जेरा? सीलरानी। अच्छा, सीलरानी लोधी। सीलरानी लोधी आपके यहाँ से सरपंच का चुनाव? पढ़ी लिखी है या? हाँ, पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी है। हाँ। आपको विश्वास है विकास करेंगे? हाँ, बिल्कुल पूर्ण विश्वास है। क्या चुनाव चिन्ह है इनका? इनका है बरगद नारियल का पेड़। अच्छा, नारियल का पेड़। हाँ। एक बड़ी ताकत जो अच्छाई की ताकत है वह हरिशंकर लोधी के पक्ष में खड़ी होती दिख रही है। हालांकि चुनाव चुनाव होते हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के अंतिम दिन उनके प्रचार में जो उन्हें जनता का आशीष मिला है वो उन्हें ताकत बख्श रहा है। क्या मुद्दे लेकर चुनाव पे होते हैं? मुद्दा ये है कि हमारे गांव में रोड की परेशानी है, पानी की परेशानी है, राशन नहीं मिलता है गांव में, और जो वृद्ध आदमी है उनको कुछ नहीं मिलता पेंशन मेंशन। और क्या समस्या है गाँव की? गाँव की यही समस्या है। आपको विश्वास है आप मुद्दे हल कराएंगे? हाँ, करवाएंगे। पक्का। फलों से भरा नारियल का पेड़ उनका चुनाव चिन्ह है। हालांकि हरिशंकर लोधी बेहद धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इसी वजह से उनका चुनाव चिन्ह कमाल कर रहा है और सील रानी हरि सिंह लोधी को हर दिन लोकप्रिय कर रहा है। कुलदीप चोरण से सागर एक्सप्रेस, जय श्री। Thank you.